और उसे एक ऐसा बहाना बनाऊंगा कि उसका बहुत तबीयत खराब है। लेकिन आप तलब इस डाकू विक्रम सिंह की राइफल सिर्फ बेकसूरों पर नहीं उठी थी, लेकिन आज मेरी बहन बेकसूर है, उसके कोई आल औलाद भी होने वाले हैं। लेकिन क्या बताऊं, मैं मजबूर हूं, इसलिए आपने बहन के कहने के मुताबिक मैं अपनी सौतेली बहन को मारने जाता हूं। अरे मेरे मैया बल मधरवा आई मेरे, मेरे मैया बल मधरवा आई मेरे। भगवान, आज मुझे मेरे भाई का याद बहुत ताजा आ रहा है, लेकिन ठीक है, अब मैं बैठ के इंतजार करती हूँ। मैं जाता हूँ, अब अपने सौतेली बहन नीलम के घर पहुंच गया हूँ। देखता हूँ हमारी बहन घर पर है या नहीं। आखिर क्या बात है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, आखिर इतना उदास क्यों है आप, बता देना सबने। बहन क्या बताऊं, अरे उठाता हूँ कदम तो उठाया पग नहीं जाता, उठाता हूँ कदम तो उठाया पग नहीं जाता, जब याद घर की आती है तो कलेजा कांप ही जाता है। भैया ऐसी कौन सी बात है जो अपने बहन से नहीं बताने वाले है, बताइए। सुनो मैं जरूर बताऊंगा। बता भैया, मेरी कसम तुम्हें बताओ भैया, क्या बात है। तेरे लिए जारी मैया बहुत सख्त पीमा
जलने को मेरे और तारी करो मैया बीमार है। भैया मेरी मैया बीमार है। हाँ, तुम्हारे माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो क्या कहा भैया तेरे, और कुछ नहीं आई समझ ही क्या कहा भैया तेरे। और कुछ नहीं आई समझ ही, बात कोई समझ में है आता नहीं। और भैया बीमारी है, तुम्हारे माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। भैया अभी तो मैके से मैं भी चली आ रही हूँ, माँ मेरी तो ठीक थी ना। देखो बहन, मौत और फिक्री का कोई भरोसा नहीं होता है। जी हाँ, सुनो भैया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? क्या कहा होता। भैया ये बात है तो चलो, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भैया, चलो चलो भैया। भैया भैया, कहीं चोर की आवाज आ रही है भैया। ठीक है भैया, चलो मैं चलो। देखो भैया, बाबा रे। अरे बाबा हो, अरे हम चला गए ना जजमानी में यहाँ। अच्छा दादा, में मंदिरिया के पिछवा कुछ धमाका हुआ है। धमाका? हाँ, ग्राम दे बोला है, चल देखा जाए तो। चलो 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 चलो, देखी तो हनुमान जी के मंदिर पछवे हुए चले है कि कुछ गावत बजावत चल रहे। नहीं तो गावत बजावत चलो, मंदिर भजन गाओ। भजन गाई
घर संत मिले कहूँ हेरे हेरे पेट उदास रहे घर के इनका इनका कूड़ाऊ देखो पेट इनका जो कूड़ा है। यही देवर तब हमार मोड़ ली हो मोड़ तो हर हंकार नहीं तो गाँव भजन बोलते चलो बोलो भजन बोलते चलो तू भजन नहीं जानते हो कहे नहीं जाने अब अच्छा था कोई काम न चला गया तो पहले कढ़ाओ तो हम पाचन कर लो। हेलो तो साथे रहे पीछे पीछे हाँ हाँ पहले पिछवाड़े में हमें आ जाना चल रहे चलो बोलो अरे नहीं के अरे नहीं के चना अरे राम नहीं के चना अरे समझाए मालमिका शराब पीली तो चलिए नहीं बाबा तो मैंने हका पिए का हुई तब मैंने हम बाल बलम चारी हम शराब पीते चलो हम मंदिर हम सीरियाई जा पूरा सीरिया राम नरियस कह जाता हूँ हाँ सीरियाई अच्छा तो आओ चलो अच्छा तो आओ
सब मंदिर पिछवल हास पड़ी है। बंदूक किस मारी से यहाँ पे भाग नहीं जा भागा ना जाए सबका हम लोग ले चलिए हुआ है बात टिक 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 खा देते बबारी है लड़का पाए लड़का पुछिया उठा के देखी खसी हो कि पठिया अरे लड़का हो तो अजय पकड़ो हमारे अरे ले जाओ जाओ ले जाओ फिर कहो ले जाए बाबा आ जाओ भटक न थवा ओ भटक न थवा अरे तहार पे किया काटी डाल बच्चा बड़ा गर्मी लाग का बाबा बड़ा मेहनत कर जाए बाबा हो हनुमान मने हनुमान मंदिर तो पैदे भा है सब तो होबे करी तो हमार मना कहता है कि बलवंत नाव रखते बलवंत नाव ठीक रही है तब तब हनुमान जी के पूजा करी और हम लोग यहाँ भाव घूमा जाए दाल भात तो केला जाए अच्छा ही बताओ खाए रहा हम खाए चुकबे आना ही सबसे पहले तो ही हम खा रहा तब हम तो हमक साधु हो संत मिले तो हेरे हेरे पेट उदास रहे घर घेरे कई पूरी खाए मेरे कम से कम 40 में हम पहुंचे ना अगाए जाए के तो कच्चा दाल खवाया हो बाबा हो ना हर मन खाया हर मन मुझे बोला खा ले हो ओ बाबा हो आए खदिया हमारे चले जाओ अरे हमारी अरती सुन लो अरे हमारी अरती सुन लो अरे ये करके ललनवा अरे बिमतिया यापन भट भट जिसके माया
पढ़ाब। अच्छा बच्चा चलो स्कूल में नाम लिखावा जाए, पढ़ावा जाए, पाला जाए, नाम वाम लिखाई दे। हाँ बाबा तब का पढ़ी लिखी और जब पढ़ी लिख के होशियार हो जाए तब भक्ति खियाई और हनुमान जी का पूजा करे। चलो चलो बाबा। अरे हम तो बड़े हमारे हैं कि महाराज राज के हाल चाल ना पूछो। क्या हो दरबार? जहिया तू शिकार खेले गये वही रतियम डकैता फाट पड़े। हमारे घर में डाका पड़ गया। डाका पड़ गया ये तो हो गया। जब गड़ाम गड़ाम डगे लाल तो हम तलबे निकल भाग ले और बड़कनी मलके लू भाग ले और छोटी मलकिन का टगा ली रोड है वो भाग नहीं पाव। बच्चों मारे गड़ाम दे वो पोदे निकल के मलकिन मार डारी गई। मलकिन ठीक कहा था यार, ना जाए तो अच्छा है। दरबार देखी बड़कलो की यार। हाँ जाओ देखो दरबार घर का समाचार देख रहा हूँ। हेलो महाराज क्या बात है? बड़ी खुशी कर रहा हूँ। क्या हुआ? वो तो मर गई। हाँ हाँ और बड़कनी मलकिन के जरा 20 साल से लड़के नहीं पैदा थे उनका लड़का पैदा था। जानी पत्थर पे धूप जाता। हाँ महाराज तो ठीक है दरबार जाओ हमारी बड़ी रानी को और लड़का लेकर हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। और सोहर मंगल होना चाहिए। आप पत्थर के ऊपर धूप जाओ और काठी लेकर आओ साथ में सोहर मंगल होना चाहिए। लड़कवा हमारे नियर है। क्या हुआ? जैसे हाँ महाराज कौन सी झगड़ा? हाँ चलो तो अब लाओ सोहर मंगल हो जाए। ठीक है महाराज। देखिए हमारे महाराज के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। आप सोहर मंगल गाओगे जो मांगन मांगोगे वो महाराज आपको दे सकते हैं। हाँ 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 महाराज के हम कभी आए हैं। हाँ बोलो। हेलो 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 हेलो। अरे कोई ने अरे राम ने तारे अरे कोई ने अरे राम ने तारे राजा दशरथ ने राम लोटा
ठीक है।